उसमें सबसे पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये फिगर है। ठीक है, इस फिगर में आपको करना क्या है, ये जो भाग बचा हुआ है इसका, इस भाग का आपको एरिया निकालना है, और ये जो भाग यहाँ नीचे बचा हुआ है इसका भी एरिया निकालना है। ठीक है, और आपको दिया क्या गया है कि इस फिगर में ये है आपका पी आर क्यू और यहाँ पर कहीं इसमें जो है सेंटर ओ है। ठीक है, तो आप इसमें आपको जो कुछ दिया है हम पहले उसको नोट कर लेते हैं। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर एक। तो पी क्यू बराबर जो दिया है, पी क्यू बराबर वो दिया गया है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर, सात सेंटीमीटर और ओ वृत्त का केंद्र है, तो छायांकित भाग का इन्होंने कहा कि क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो इसमें जो पी क्यू है, ये पी क्यू आपका 24 हो गया और पी आर आपका 7 हो गया, और ये जो एंगल होगा ये आपका 90 डिग्री होगा। क्यों होगा वो भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। आपने 9th में एक प्रमेय पढ़ा होगा कि अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण इस तरीके से, तो ये जो परिधि पर बना कोण है ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसलिए ये कोण आपका हो जाएगा 90 डिग्री। यदि हम ये जो है इस, चूंकि ये वो क्या है इसका केंद्र है, वो केंद्र है, तो ये जो भाग बचेगा ये जो भाग होगा आपका, ये एक अर्धवृत्त बनेगा, ये अर्धवृत्त बनेगा इस तरह से। ठीक है, तो अर्धवृत्त में ये परिधि पर बना कोण है, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो अब इसको हमने इरेज कर दिया, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, ये जो पाइथागोरस प्रमेय से आप लोगों ने त्रिकोणमिति में निकालते थे, तो हम उससे क्या निकाल लेंगे, इसमें यदि क्यू आर निकाल लेते हैं तो उसका आधा इसका केंद्र आपको पता चल जाएगा। केंद्र यदि पता चल गया तो पूरे वृत्त का हम लोग क्या क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम पाइथागोरस लगाते हैं इसमें, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रहा था कि कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग यानी क्यू आर स्क्वायर बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, थीटा यहां बनना तो कर्ण यही होगा। तो उसके बाद पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ठीक है,
आगे यदि लिखना चाहो तो लिख दो आप, चूंकि इस कलर से दिख नहीं रहा होगा, ब्लैक ही ले लेते हैं। चूंकि कोण आर पी क्यू बराबर 90 डिग्री, आर पी क्यू एंगल आर पी क्यू बराबर 90 डिग्री, तो इस प्रकार से करते हैं। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा रूट पी क्यू की वैल्यू हम लोग रख देते हैं, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर यानी 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा आपका रूट 625, और इसका जब रूट निकालेंगे तो आएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर ये पूरा आर क्यू आर आ गया, तो क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो ओ क्यू बराबर आ गया। तो तब ओ क्यू बराबर ओ आर बराबर क्यू आर बाई टू, ये हो जाएगा 25/2। तो हमको वृत्त की त्रिज्या पता चल गई है, अब वृत्त का हमको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब हम यहां लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज आर पी क्यू का क्षेत्रफल। तो सारी वैल्यूज रखते हैं इसमें, तो हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें लगाते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई टू यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब।
आधार गुणे शीर्ष लंब, शीर्ष लंब ये हो गया। तो 1/2 पाई का मान आ गया 22/7। आर का मान जो हो गया वो 25/2, जैसा कि हमने पीछे निकाला था 25/2 माइनस 1/2। आधार जो इसका होगा वो आधार होगा आपका पी आर पर 90 डिग्री बनना था, तो पी आर का मान जो है वो आपका 7 है, और शीर्ष लंब जो है आपका वो है 24। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से तो 24 गया, 12 बार कट गया। इधर 2 से यदि हम इसको काटे तो 11 बार कटेगा। ऊपर बच जाता है 25 × 25 और 11। 25 × 25 625 × 11, तो 11 × 625 = 28 माइनस में 12 × 7 = 84 बच जाएगा। ठीक है, 625 का यदि हम 11 से गुना करा दें, 625 का हम 11 से गुना कराए तो वो आ जाता है 6875। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 6875/28 −84। अब इसका लेंगे एलसीएम, यहाँ ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आपका आएगा 28, और यहाँ ये रह जाएगा 6875 −84 का हम लोग करना है मल्टीप्लिकेशन 28 से, तो आ जाता है 2352। 2352, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 2352 में से घटेगा 6875, तो ये 4523 बच जाता है। तो इसको हम लिख लेते हैं 4523/28 cm², cm². तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का भी हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। दो समकेंद्रीय वृत्त बने हुए हैं इस तरह से, ठीक है, और इसका कोई सेंटर ये ओ है, ठीक। अब यहां से दो त्रिज्यखंड इस तरह से ये बने हुए हैं, और इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 40 डिग्री। ये ओ हो गया, ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये वाला पॉइंट बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया। अब इसमें करना क्या है, तो इसमें आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, हम आपको दिखा देते हैं। ये इस भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है, इस भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो इस भाग का क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसमें आप देख पा रहे हैं कि दो त्रिज्यखंड बन रहा है, एक त्रिज्यखंड तो ए ओ सी बन रहा है और दूसरा त्रिज्यखंड बी ओ डी बन रहा है, दोनों एक ही केंद्र पर बन रहा है।
AOC त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से यदि BOD त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो आसानी से ये जो ये भाग आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर टू में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें दिया गया है कि त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है और एंगल AOC 40 डिग्री। तो जो कुछ दिया है वो त्रिज्या क्रमशः क्रमशः यदि कहा है तो OB जो होगा ये 7 सेंटीमीटर होगा और ये जो होगा ये 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो OB बराबर 7 सेंटीमीटर और OC हम ले लेते हैं, OC बराबर 14 सेंटीमीटर और एंगल AOC, एंगल AOC बराबर 40 डिग्री। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल। ठीक है, आप रखते हैं त्रिज्यखंड का सूत्र आपको पता है क्षेत्रफल निकालने का, तो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, एक को आर वन मान लिया जाए, हम इसको आर वन मान लेते हैं आर वन, और इसको आर आर टू मान लेते हैं। ठीक है, तो आर आर टू इसको, क्योंकि त्रिज्या छोटी बड़ी हो जाएगा, आर वन इसको मान लेते हैं, तो OC तो आर वन माइनस, और इधर फिर थीटा बाय 360 पाई आर टू स्क्वायर। अब थीटा सेम है दोनों के लिए, पाई भी सेम ही रहेगा, पाई तो कांस्टेंट है हमेशा सेम ही रहता है, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, तो थीटा की वैल्यू 40 रख देंगे, 40/360 गुने 22/7 गुने आर वन यानी 14 का स्क्वायर माइनस, फिर वही सेम चीज लिखना पड़ेगा, 40/360 गुने 22/7 गुने 7 का स्क्वायर। अब ये इससे कटेगा, 4 9 36 9 बार, 4 9 36 9 बार यानी 1/9, 9 7 63 हो गया ये सीधे सीधे, और कुछ कुछ कट भी रहा है तो हम काट देते हैं जो कुछ कट रहा है, 1 7 से 7 2 14 तो ये कटेगा, तो ऊपर बच जाएगा आपका 22 × 14 × 2, 1 7 से 14 एक चला गया तो 7 2 14 दो ही बचेगा, नीचे बच गया आपका 9, उसके बाद माइनस
इधर भी 9 बचा हुआ है यहाँ पर, तो 9 से 1 7 से 1 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच गया 22 गुने 22 गुने 7 बटे 9। अब इन सब का मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या होगा, 22 गुने 14 गुने 2, तो ये आपका आ जाता है 616। तो ये हो जाएगा आपका 616 बटे 9 माइनस 22 सत्ते हो जाएगा आपका 7 दुनी 14, 7 दुनी 14 और 1 15, 154 बटे 9। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो दोनों को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 462 बटे 9, 462 बटे 9। ये हो गया आपका 462 बटे 9। ठीक है, तो 462 बटे 9 आ गया आपका। अब देखते हो ऊपर नीचे क्या कुछ कट रहा, तो 6 2 8, 8 4 12, 3 से कटेगा 400। अगले पेज पे चलते हैं, 462 बटे 9, तो 462 बटे 9, 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15, 3 6 12, तो ये बच जाता है 100, ये आपका बच जाएगा 154 बटे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा था। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनके साथ। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।